हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPRS मेंबर्स पोर्टल के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अगर आप IPRS के मेंबर हो तो अपने अकाउंट को यानी कि IPRS के अकाउंट को पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हो। आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हो, आप अपना जो मेंबरशिप है उसका डिटेल्स देख सकते हो, आपने कितने गाने रजिस्टर्ड किए वो सब कुछ ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा काम है जो कि आप मेंबर्स पोर्टल से कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप IPRS मेंबर्स पोर्टल जो है उस पर लॉगिन कर सकते हो और कैसे आप उसे यूज करके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरा कितना गाना रजिस्टर्ड हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा। इस पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आप आसानी से सब कुछ ट्रैक कर सकते हो IPRS से रिलेटेड हर अपने अकाउंट के डिटेल्स को। तो चलिए प्रैक्टिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पोर्टल को यूज कर सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं और उसके जो भी फंक्शन है, जो डिटेल्स है उसके बारे में मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा जो कि आपको मिलेगा IPRS की तरफ से। उसके लिए आपको सिंपल एक कोई मेल करना होगा, उस मेल में आपको लिखना होगा कि मुझे मेंबर्स पोर्टल पे लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो वो लोग मेल का रिप्लाई करेंगे जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ एक लिंक होगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से उस पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो और उसके बाद हमेशा के लिए आप उसे यूज कर सकते हो और अपने IPRS के जितने भी काम है हर एक चीज़ को आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। बहुत फंक्शंस है उसमें जिसे आप यूज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे आप यूज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जैसा कि हमने पहले बताया कि मेंबर्स जो पोर्टल होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हो। एक आईडी लगेगा और पासवर्ड लगेगा जो कि आप किस तरीके से मंगा सकते हो जो मैं आपको बता दूं। आपको सिंपल एक मेल करना होगा IPRS को जिसमें लिखना होगा कि मुझे पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो वो लोग उधर से IPRS की तरफ से आपको एक मेल का रिप्लाई आएगा और उस रिप्लाई में आपको एक यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा और एक लिंक होगा जिस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हो। देखिए जैसा कि ये मेरा मेल आया हुआ है, अभी मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे एक लिंक है, मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। अभी सिंपल अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस लिंक पे भी क्लिक करने के बाद हम सेम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा अभी फिलहाल मैं डालता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं अपने पोर्टल में लॉग इन हो गया हूँ, हालांकि मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है इसलिए डायरेक्ट मैं लॉग इन हो गया। आप पहली बार जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपको एक पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, उसको आपको कर लेना है। पासवर्ड अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना लेना है, उसके बाद आप इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा डिटेल्स, मेरा जो प्रोफाइल डिटेल्स मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एफिलिएशन है, इसमें कब आप IPRS को ज्वाइन किए वो आपको डेट दिखा रहा है। उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको जो बैंक के डिटेल जो भी आपने दिया होगा वो डिटेल्स आपको दिखेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स देख सकते हो, जो भी आपने डिटेल्स दिया है वो कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आईपी नेम में आप यहाँ पे अपना पीए नेम यानी कि जो ओरिजिनल नेम है वो, और आप अगर निक नेम कोई अलाइज नेम अगर रखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आईपी नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आईपी एग्रीमेंट है, जो हमारा एक एग्रीमेंट है IPRS की तरफ से, तो ये दिखा रहा है 36 IPRS यानी कि मैं मेंबर हूँ। क्लास है, म्यूजिकल वर्क है और ये जो है ये इसको ब्लैंक छोड़ा है। शेयर हमारा 100% जो भी दिखा रहा है 100%। टेरिटोरीज वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जहां भी कहीं भी होगा वहां से अगर हमारे गाने बजेंगे तो रॉयल्टी मिलेगा वो आपको दिखा रहा है। वैलिड फ्रॉम 3/3/2020 से ये वैलिड है और 31/12/1999 यानी कि बहुत दिनों तक का वैलिडेशन है। आप देख रहे हो इस तरीके से 9999 और सिग्नेचर 3/3/2022 को हुआ था। और ये हमारे जो भी है ये डिटेल्स है, रोल राइट्स है, जो भी मिलता है हमें राइट उसका डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे एक आपका
ये कोड है जो हमारा जो मेंबर का कोड होता है, एक कोड है। तो ये आपने इंटरफेस आप समझ लिया। यहाँ पे एक अपडेट प्रोफाइल भी होता है जिसमें अगर आप कोई चीज अपना चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भर के उनको भेज सकते हो, ठीक है, सबमिट कर सकते हो और वहां से आपको चेंज हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको प्रूफ के साथ भेजना पड़ेगा, बैंक, ये कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हो, यानी कि आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद अब हम समझ लेते हैं, इससे देखिए माय प्रोफाइल, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे अपने को प्रोफाइल दिखेगा, जो भी हमारा प्रोफाइल होगा, ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोफाइल है। उसके बाद वर्क डाटाबेस है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डाटाबेस दिख रहा है, जो भी मैंने गाने रजिस्टर्ड किया वो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, जैसे ये सब है ना, यहाँ से रिकॉर्डिंग्स है, क्वेरीज है, अटैचमेंट है, पब एग्रीमेंट्स है एंड रिलेटेड लिंक्स है, बहुत कुछ इसके अंदर आप करके देखना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेरे गाने का डिटेल्स यहाँ पे वर्क डाटाबेस के, ये वर्क डिटेल्स दिखा रहा है, हालांकि ये अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दूसरा ओपन कुछ करके दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या आता है। ये डिटेल्स आ रहा है, आप देख रहे हो ना, डिस्प्ले आर्टिस्ट निहाल मिश्रा है, रिकॉर्डिंग टाइटल दिखाएगा आपके गाने का और रिलीज डेट दिखाएगा, रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन देखा, मतलब यहाँ से आप डिस्प्ले आर्टिस्ट आईपी आई नंबर, यहाँ से आप अपना डिटेल्स चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो अभी यहाँ पे आई थिंक शो नहीं कर रहा है या फिर टाइम लेगा। आप देख रहे हो ऊपर हेडिंग से समझ सकते हो, प्रोडक्शन टाइटल रहेगा, इंटेंडेड पर्पस रहेगा, रिलीज ईयर रहेगा, प्रोडक्शन डिटेल रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ से इस लिंक के थ्रू, आप ये जो लिखा है इसके थ्रू आप सब चेक कर सकते हो अपने हर एक गाने का। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी गाना आपने रजिस्टर्ड किया है, यहाँ पे देखिए सॉन्ग का नेम दिख रहा है एक साइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारा सॉन्ग गाने का नाम है, और यहाँ पे ऑनर दिख रहा है, स्टेटस क्रिएटर क्रिएटर दिखा रहा है, और यहाँ पे ऑनर भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सारा गाना, जो भी आपने गाना रजिस्टर्ड किया होगा सब यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने अपने गाने को रजिस्टर्ड किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ देखूं, कहाँ चेक करूं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आ रहा है, शो माई कैटेगोरी, तो सॉन्ग टाइटल आपको देखना है, जो भी आप जिस पे क्लिक करोगे, जैसे अगर आप राइटर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप राइटर को सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपको यहाँ पे ये सर्च के लिए दिखा रहा है, आप सर्च जो भी आप क्लिक करोगे उस तरीके से आपको ये पूरा डिटेल्स दिखाई देगा, ठीक है। और शो माई कैटलॉग, तो इस तरीके से ये पूरा कैटलॉग दिखा रहा है। तो ये आप दो चीज समझ गए हो। चलिए हम आ गए हैं अभी रिपोर्ट्स में, अभी जान लेते हैं रिपोर्ट्स है, तो हम आ गए रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये चार कैटेगोरी है जिसमें ऑडियो वीडियो बॉक्स का रिपोर्ट आप देख सकते हो, ऑफलाइन रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ये ऑनलाइन रिपोर्ट आप ले सकते हो कैटेलॉग का, और यहाँ से नॉन मेंबर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईपीआरएस के मेंबर नहीं है, उनके भी गाने रजिस्टर्ड हैं, तो आप वो भी यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हो। उसके बाद ऑफलाइन रिपोर्ट्स एंड फाइल मैनेजर है, तो इस पे हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ आप लॉगिन पे क्लिक करके ऐसे इस तरीके से आप जब इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पे आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप डाउनलोड करके इसको ओपन कर सकते हो, तो ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो आप इजीली, इस तरीके से ये पब्लिशर कौन है, परफॉर्मेंस कौन है, ड्यूरेशन कौन है, इसमें यहाँ पे ना आप एडिट भी कर सकते हो, इनेबल एडिटिंग है, यहाँ से आप एडिट करके अगर सपोज आपने कोई गाना डाला है और उस गाने में अगर कोई इश्यू है, कुछ मिस्टेक आपने कर दिया है, तो आप यहाँ से इसको इनेबल एडिटिंग करके यानी कि एडिट करके फिर से आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, ऑफलाइन रिपोर्ट्स एंड फाइल मैनेजर है, ये काफी काम का चीज है। जैसे कोई भी गाना आपका है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहां से लॉग में जाके उसको ओपन करके डाउनलोड करके और आप
ये एडिट करके फिर से भेज सकते हो। सेंड टू हिस्ट्री अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड टू हिस्ट्री द करंट फाइल। अभी मैं इसको नहीं भेजना है मुझे, तो मैं कैंसिल करता हूँ। तो इस तरीके से ये है। और उसके बाद है कि इंट्रानेट है, जिसके जरिए आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हो। और मैं एक और वीडियो इस पे लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द हो सके तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में और डिटेल से बताना जरूरी है। फिलहाल बेसिक जो जानकारी थी कि पोर्टल को कैसे यूज करना है, कैसे लॉगिन करना है, कहाँ से आईडी यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, और कैसे हम अपने गाने के सारे डिटेल चेक कर सकते हैं, कैसे हम किसी गाने में अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो हम कैसे एडिट करके उसको रिसेंड कर सकते हैं, आईपीआरएस को अपने इस तरीके से माई प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं, हर वो एक एक चीज के बारे में मैंने कोशिश किया बताने का। तो आई होप कि जिन लोगों की क्वेरी थी हमारे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे, उन सबका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल हो तो प्लीज अगेन कमेंट कीजिए, या फिर अगर कोई चीज ऐसा है जिसे मैंने मिस कर दिया है तो भी कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार फिर से यहाँ भी बोल रहा हूँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखा आपने, काफी आसान है इसको यूज करना, बहुत सारे इसमें फंक्शंस है जो हमेशा आप जिसकी तलाश में रहते हो, कमेंट करते हो, वो सब आप इससे ट्रैक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सारे अपने रिपोर्ट्स को देख सकते हो, काफ़ी ईजी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी इस तरीके से लॉगिन कर लो, और आप हमेशा कहीं भी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको किस तरह के वीडियोज और चाहिए, और हमने क्या गलती किया है, हमने कुछ बताना भूल तो नहीं गया है, ये हमें समझने को मिलता है और हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ में अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बॉलीवुड कैरियर से रिलेटेड इसी तरह के और भी वीडियोज जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप उसे आसानी से देख सके, समझ सके और उससे बेनिफिट ले सके। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।